बिपरजॉय तूफान से जहां भारत में अलर्ट है तो पाकिस्तान में भगदड़ मची हुई है। ये तूफान अपने साथ भयंकर तबाही लेकर आ रहा है। इस तबाही का ट्रेलर आप देख चुके हैं। बिपरजॉय तूफान गुजरात के जखाऊ में लैंडफॉल करेगा। भारतीय नौसेना अलर्ट पर है तो वहीं हजारों लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जा चुका है। लेकिन इन सभी के बीच द्वारकाधीश मंदिर में लगे दो ध्वजों की चर्चा हो रही है। लोग तूफान के नाम की भी चर्चा कर रहे हैं। सब जानना चाहते हैं कि द्वारकाधीश मंदिर पर दो ध्वज क्यों लगे हैं और इस तूफान का नाम बिपरजॉय किसने और क्यों रखा है। सबसे पहले आपको तूफान के नाम का रहस्य बता देते हैं। इस तूफान का नामकरण बांग्लादेश ने किया है। बिपरजॉय का मतलब होता है डिजास्टर यानी आपदा। आपको बता दें कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जितने भी चक्रवात आते हैं उनका नाम बारी बारी से इस इलाके के देश रखते हैं। ये नाम पहले से ही तय होते हैं। साल 2004 में तूफान के नामकरण के लिए एक सहमति बनी थी। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले तूफानों के नाम 8 देश देते हैं। इनमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। आपको बता दें कि तूफान का नाम 8 अक्षरों से ज्यादा नहीं रखा जाता। अब आपको द्वारकाधीश मंदिर में लगे दो ध्वजों के बारे में बताते हैं। चक्रवात बिपरजॉय का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखने को मिल रहा है। इसी बीच गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में एक साथ दो ध्वजों को फहराया गया। ये रक्षा ध्वज कहलाता है। मंदिर के 50 मीटर ऊंचे शिखर पर 52 गज का ध्वज दिन में 5 बार बदला जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि ध्वज मंदिर और नगर की रक्षा करता है। लेकिन तूफान के कारण तेज हवाओं के बीच शिखर पर ध्वज फहराना जोखिम भरा काम है। शिखर पर चढ़ना खतरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए नए ध्वज को पुराने ध्वज के नीचे ही फहराया गया है। इसीलिए अब श्रद्धालुओं को द्वारकाधीश मंदिर पर दो ध्वज दिख रहे हैं। ये दो ध्वज बताने के लिए काफी हैं कि बिपरजॉय कितना खतरनाक तूफान है।